हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में आपको डिपार्टमेंट जो है कैसे अलॉट होगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके लिए यानी बेस्ट होंगे। अगर आपको इन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है तो आपके लिए यानी काफ़ी अच्छा होगा एमटीएस की जॉब करना। अब गाइस, सबसे पहले बात करें कि एसएससी एमटीएस में डिपार्टमेंट कैसे अलॉट किया जाता था। तो 2016 में जो है वो डिपार्टमेंट एलोकेशंस की रैंडम था कि जैसे जितने भी डिपार्टमेंट एसएससी एमटीएस में, जैसे आपको दिल्ली स्टेट मिला है, मैं बेसिकली दिल्ली स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, बाकी आप सब अपने हिसाब से उस देख लें कि जैसे ना दिल्ली स्टेट है उसमें जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी को एक एक सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिया गया था। और उसके बाद में जैसे रैंक वाइज जैसे यूआर के अलग बच्चों को अलग कर दिया गया था, ओबीसी के अलग हो गए थे, एससी एसटी जिन अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग कर दिया गया था। और उसमें जैसे यूआर में जिसकी फर्स्ट रैंक है उसको थर्ड डिपार्टमेंट दे दिया गया था, सेकंड रैंक है उसको सेकंड, और फिर ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में रैंडम वाइज अलॉट कर दिया गया था। इस बार के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मैंशन है नहीं, तो पता नहीं है कि कैसे वो आपको डिपार्टमेंट अलॉट करेंगे। अब गाइज, अपन इस साल में ना कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट होंगे, सभी डिपार्टमेंट में मैं आपको बता दूं, एसएससी एमटीएस में आपको 5 दिन का वर्किंग करना पड़ेगा, 9 to 5 आपका वर्क लोड होगा। और उसके एक्स्ट्रा जितना भी आपको काम, जितना भी आप एक्स्ट्रा काम करोगे उसके आप एक्स्ट्रा पैसे मिल दिए जाएंगे काफ़ी अलग, यानी कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको उसके लिए पैसे भी दिए जा सकते हैं। अब अपन देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट हो सकते हैं। ये गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये बेस्ट हो सकते हैं, ये हमारे एक सर्वे कराया था उसके अंदर अकॉर्डिंग हो सकता है। मैंने काफ़ी अलग अलग बंदों से पूछा भी था जो इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनसे कुछ डिपार्टमेंट में हैं। और बाकी यही है कि ये सभी का इसके लिए चॉइस अलग अलग हो सकती है। सो गाइज, अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो सबसे फर्स्ट डिपार्टमेंट है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबको बताएं कि SSC CGL हो, CHSL हो या MTS हो, सभी बच्चों का ड्रीम होता है कि इसमें उनकी पोस्टिंग हो। ये अभी इसके अंदर जो रैंडम एलोकेशन है तो उसके अंदर आपको आपकी रैंक की थोड़ी सी कम प्रोवाइड रखनी चाहिए, आपको भी यह डिपार्टमेंट मिल सकता है। सेकंड है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में वर्कलोड भी काफ़ी कम है और इसमें अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी पे दिया जाएगा और इसके अंदर वर्कलोड भी कम है और 9 to 5 आपको वर्क रहेगा। थर्ड और फोर्थ है प्रेसिडेंट ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। फिफ्थ है IB। सिक्स्थ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैसे आपको बता दूं कि आपको वर्कलोड थोड़ा सा बाकी डिपार्टमेंट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी हर बार CGL CHSL में MEA जैसे हर बार टॉप लोगों की टॉप प्रेफरेंस होती है, तो इस बार इस कारण से ये डिपार्टमेंट भी SSC MTS वालों के लिए भी काफ़ी बेहतर हो सकता है। 7th पे इलेक्शन कमीशन, 8th पे रेलवे और 9th में आर्म फोर्स में भी वर्कलोड काफ़ी कम है। सो गाइस, ये कुछ बेस्ट डिपार्टमेंट है, और भी डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन मुझे ये 9 डिपार्टमेंट्स ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे और इनमें भी फर्स्ट 3 मेरे फेवरेट डिपार्टमेंट हैं। तो भाई, सबकी अलग अलग प्रेफरेंस बेस्ट हो सकता है। आप भी कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा लगेगा। आप यानी भगवान से प्रे कर रहे हो कि आपको डिपार्टमेंट मिल जाए। तो गाइज, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।